हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है दफन दे हेड। तो एक्चुअली में ये तो मैंने जो चैप्टर यहाँ खोला हुआ है पीडीएफ रीडर में, ये डीएवी की किताब से है, डीएवी स्कूल की किताब से है। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी की किताब है बिहाई इंग्लिश के लिए, उसका पहला चैप्टर भी है। तो ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के 9th क्लास के बच्चों के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना ये डीएवी स्टूडेंट्स के लिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो मैं फिर से बताऊँ चैप्टर का नाम, द फन दे हैड। द फन दे हैड कि उन लोगों को जो आनंद मिला, उन लोगों को जो मजा आया, ये इस चीज़ के बारे में है। किन लोगों को, ये अभी आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली में किन लोगों की बात है, तो ये जो दे प्रोनाउन है यहाँ पर बच्चों के लिए है, तो उन बच्चों को जो मज़ा आया। और इस स्टोरी के राइटर हैं आइजक एसिमोव। तो राइटर जो आइजक एसिमोव हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है कि अगर हम कोई स्टोरी या कोई पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें उसके लेखक के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि अगर लेखक के बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हो, तो उसकी जो भी ये स्टोरी है या पोएम है, उसकी थीम को समझने में, उसके पीछे के लॉजिक को समझने में भी आपको सहूलियत हो सकती है। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिस्टर आइजक कैसीमो, जो कि इसके लेखक हैं द फन दे हैड। आइजक कैसीमो 92 to 92, इनका जन्म 1920 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1992 में हुई है। ही वॉज ए प्रोलिफिक रशियन बोर्न अमेरिकन राइटर वेल नोन फॉर हिज साइंस फिक्शन। तो इनका जन्म तो वैसे रशिया में हुआ था, लेकिन ये अमेरिका के नागरिक रहे हैं। और जो भी लोग साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, साइंस फिक्शन की दुनिया में हैं, साइंस फिक्शन को पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो इनके नाम से भली भांति परिचित हैं। ही इज़ वेरी पॉपुलर। ही हैड द कैनी नैक ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यंग रीडर्स इमेजिनेशन टू द फ्यूचर वर्ल्ड डोमिनेटेड बाई कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स। तो यहाँ जैसे मैंने एक शब्द बताया ना, साइंस फिक्शन, तो साइंस फिक्शन एक्चुअली में उस तरह की कहानियाँ होती हैं जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उस समय की हमारी दुनिया कुछ ऐसी होगी, उस समय लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा होगा। ये चीज़ें मतलब जो लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो कल्पना करते हैं कि आगे चल करके साइंस और टेक्नोलॉजी से हमारे भविष्य की दुनिया ऐसी हो सकती है। तो यही बात यहाँ पे है कि आइजक एसिमोव ने क्या किया कि उन्होंने जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, उनके मन में जो कल्पनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं भविष्य की दुनिया को लेकर के, और उसके साथ साथ में उसमें उन्होंने थोड़ा सा कंप्यूटर और रोबोट्स, इन दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे फ्यूचर लाइफ में क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से इन्होंने मिक्स करके बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारा साइंस फिक्शन, बहुत सारा नॉवेल भी लिखा है। इट इज़ ए वर्ल्ड ऑफ फन एंड फैंटासी, बट द फ्राइटनिंग स्पेक्टेकल ऑफ टोटली मैकेनिकल एग्जिस्टेंस लीड्स टू मीनिंगफुल इंट्रोस्पेक्शन टू। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि साइंस फिक्शन में, और ख़ास तौर पर आइजक एसिमोव का जो साइंस फिक्शन रचनाएं हैं, उसमें फन तो है, फैंटासी है, लेकिन इसमें साथ साथ में कई सारी डराने वाली बातें भी हैं, डराने वाले पहलुओं के बारे में भी लिखा गया है कि जब भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हम सब लोगों के साथ में, हम लोगों के आसपास में सिर्फ कंप्यूटर और रोबोट ही नज़र आएंगे, तो उसमें लोगों की ज़िंदगी कैसी हो सकती है। एसिमोव्स पॉपुलर वर्क इंक्लूड नाइटफॉल फाउंडेशन, सेकेंड फाउंडेशन, द केव्स ऑफ स्टील एंड द एंड ऑफ एटर्निटी। तो ये जो नाम लिए मैंने, ये आइजक एसिमोव के जो पॉपुलर क्रिएशंस रहे हैं, जो उनके नॉवेल्स रहे हैं, लिटरेचर रहे हैं साइंस फिक्शन कैटेगरी में, उनके नाम हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि इनके बारे में थोड़ा सा लेख, एक छोटा सा एसे, या फिर इनका जो वाइकीपीडिया का डिटेल है उसका लिंक भी मैं आपके इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकूं।
तो बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें जिसका नाम था द फन दे हैड। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना आखिर इसमें किस फन की बात की जा रही है। सो दिस इज पेज नंबर 15 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। नो इट इज पेज नंबर 14। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस चैप्टर में ये जो डीएवी की किताब है इसमें प्री रीडिंग टास्क में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। एक बार जरा से देखते हैं। रीड दीज क्वेश्चंस एंड शेयर योर रिस्पॉन्सेज विथ योर पार्टनर। तो एक्चुअली में इन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना तो है, पढ़ना है, और आपके साथ में आपका कोई बैचमेंट हो, आपकी कोई सिबलिंग हो, कोई भाई बहन हो, आप उसके साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। At what time do you go to your school? Do you like going to school? Why or why not? आप किस समय स्कूल जाते हो और क्या आपको स्कूल जाना पसंद है? अगर हाँ तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों नहीं? How many hours do you work on a computer in your school? Would you like to work longer? आप स्कूल में कितने घंटे तक कंप्यूटर पर काम करते हो और क्या उस पर बहुत समय तक काम करना होता है और बहुत समय तक काम करना पसंद है? What would happen if your teacher were replaced by computers? Think about it. You have to just imagine. कल्पना करो कि ऐसा हो कि तुम्हारे स्कूल में टीचर की जगह पर कंप्यूटर नजर आए, रोबोट नजर आए। What would you like? What would you prefer? Studying at home or going to school? आप जरा सा सोच करके बताओ कि आपको घर पर पढ़ना अच्छा लगेगा या स्कूल जाना लगेगा? How long does it take you to reach your school? Do you enjoy the journey? स्कूल आने जाने में कितना समय लगता है और क्या ये जो छोटी सी जर्नी होती है जाने की आने की, Do you like it? Do you like vacation? Why? Vacation means छुट्टियाँ। तो मेरे ख्याल से इसमें तो सारे बच्चे यही आंसर करेंगे कि they all like vacations, है ना? उन्हें तो समर वैकेशन भी चाहिए, विंटर वैकेशन चाहिए और कुछ और भी अगर स्पेशल ओकेजन हो जिसकी वजह से वैकेशन मिल सके तो दुनिया में इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है बच्चों के लिए। वैसे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे जरा सा फोकस करूँगा जहाँ पे लिखा है कि व्हाट वुड यू प्रेफर, स्टडिंग एट होम और गोइंग टू स्कूल। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रिलेवेंट है आजकल के समय के साथ में, जो आजकल की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज़ 9 मई 2021, 9 मई 2021, जब हमारे बिहार स्टेट में और देश के आधे से ज़्यादा स्टेट्स में कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल के जरिए या किसी न किसी ऐप के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाई को लेकर के कंसर्न हैं, वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई को लेकर के कंसर्न नहीं हैं, जहां उन्हें फोर्स किया जाता है स्कूल जाने के लिए और वो स्कूल जाने पर ही पढ़ाई कर पाते हैं, सोचो उनके लिए कैसी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है अभी आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे यू विल फील दैट इट इज़ वेरी मच रिलेवेंट विद द करेंट टाइम वी आर लिविंग ऑन, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं ये कोरोना के समय में, जब हमारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, सड़कों पर लोगों का आना जाना बंद है, आप टीचर से टेलीफोन पर बातें कर सकते हो, टीचर से मिल नहीं सकते, स्कूल बंद हैं, तो स्कूल बंद हैं तो पढ़ाई होगी कैसे? तो कुछ बातें आपको इस चैप्टर में ऐसी मिलेंगी जो इस चैप्टर के साथ में संबंधित हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। नाउ रीड दिस स्टोरी बाय आइजक एसिमो अबाउट द स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ टू चिल्ड्रन लिविंग इन 2155। मैं फिर से एक वर्ड यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, 2155। व्हाट इज द करेंट ईयर, आज का साल कौन सा है? इट इज 2021 एंड द स्टोरी इज रिटन अबाउट फ्यूचर। इट इज़ टाइम डैश 2155। ये सन 2155 की बात है। सपोज करो अभी से कितने साल आगे की कहानी है इसमें,
इसमें लगभग अभी से 135 इयर्स अहेड भविष्य की कहानी है कि उस समय की ज़िंदगी कैसी होगी। और आइज़ैक आसिमोव ने ये लिखा है कि उस समय जो बच्चे हैं, दो बच्चे उन्होंने कैरेक्टर में लिए हैं, उनका स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा है। सो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2155 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। रियल बुक व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट, इसका नाम है MARGIE। मैं इसे मार्जी कहूँगा, मार्गी मार्गी कहना ठीक रहेगा क्योंकि इंग्लिश में होते हैं ना नाम गार्गी मार्गी। ओके सो वी विल टेल हिम, वी विल टेल हर मार्जी, नो इट इज मार्गी मार्गी। ओके सो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, मैं एक बार यहां पर नाम लिख देता हूं मार्गी। ये नाम है इस बच्ची का जिसने अपनी डायरी में लिखा, और उसने डायरी में हेडिंग लिखी 17th May 2155 17 मई 2155। एंड व्हाट वाज रिटन बाय हर, उसने क्या लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली। तो झूठी किताब कैसी होती है, और उस बच्ची ने मार्गी ने ऐसा क्यों लिखा रियल बुक, तो अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये कहानी फ्यूचरिस्टिक है, साइंस फिक्शन है, ये भविष्य में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी उसके बारे में है। तो सपोज़ करो आप कि 2155 में बच्चों की ज़िंदगी कैसी होगी जो स्कूल में पढ़ते होंगे। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो क्या बता रही है मार्गी की, ये जो किताब थी ये बहुत पुरानी थी, obviously बहुत पुरानी होगी। और इसमें क्या लिखा है कि मार्गी के grandfather, उनके दादाजी ने कहा था कि when he was a little boy, कि जब वह एक छोटे से बच्चे थे, तो उनके दादाजी मार्गी के दादाजी ने ऐसा बताया था कि एक ऐसा समय था, देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी की सारी कहानियाँ कागज पर छपी होती थी। तो आजकल के समय में कैसा है, हाउ डू यू रीड स्टोरीज, हाउ डू यू फाइंड इट, नाउ यू हैव मैनी ऑप्शंस, यू कैन रीड द स्टोरी फ्रॉम योर मोबाइल, नाउ यू कैन रीड द स्टोरी फ्रॉम योर कंप्यूटर, दैट इज अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट, जिसे आप PDF रीडर में खोल करके पढ़ सकते हो, है ना। यू हैव वन मोर ऑप्शंस, यू कैन हियर ऑडियो बुक्स ऑल्सो, आजकल के समय में ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप बस उस फाइल को एक्सेस करो। एंड यू हैव टू प्लग द ईयरफोन्स, आपको अपने कान में ईयरफोन लगाने हैं और आप उस स्टोरी का आनंद उठा सकते हो। तो आजकल के समय में हम लोग क्या कर सकते हैं कि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज वी कैन एक्सेस, हम लोग तीन तरीके से कहानियों को एक्सेस कर सकते हैं, छपी हुई किताबों से, ऑडियो बुक से, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ये जो PDF फाइल होती है ना उससे भी। और यहाँ पर क्या है कि मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा समय था, देयर वॉज ए टाइम, जब कहानियाँ छपी होती थी कागज़ के समय में। और आजकल के समय में हम ये तीन चीज़ें देख रहे हैं, ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, ई बुक्स जिसे मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, और छपी हुई किताबें भी अवेलेबल हैं। बट आई थिंक दैट कि अभी से 50 साल के बाद में ये इतिहास की वस्तु हो जाएगी, ये जो छपी हुई किताबें हैं, ये इसे छपी हुई किताबों को कहीं से ढूंढ पाना ये बड़ा ही रेयर होगा, बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि मुझे लगता है उस समय तो सारे के सारे लोग मोबाइल पर और कंप्यूटर पर लैपटॉप पर ही किताबें पढ़ रहे होंगे। देयर विल बी नो प्रिंटेड एडिशंस ऑफ न्यूज़पेपर आल्सो, अखबार भी आपको छपे हुए दिखेंगे नहीं, यू विल फाइंड ऑल दी प्रिंटेड थिंग्स इन दी म्यूजियम ओनली, आप संग्रहालय में देखोगे या किसी शौकीन आदमी के पास में जिसने अपने घर में छिपा करके रखा हो, बचा करके रखा हो।
जैसे एक बात है ना कि आजकल के समय में हम लोग फ्लॉपी डिस्क देखते हैं क्या? डू यू फाइंड इट? क्या आपने ऑडियो कैसेट देखा है, वो टेप जिस पर गाने सुनते थे हम लोग टेप रिकॉर्डर में? नहीं, मेरे ख्याल से आजकल तो बहुत सारे बच्चों के घरों में सीडी प्लेयर भी नहीं होंगे सुनने के लिए। अब तो बस पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इस पर आप सारी की सारी चीज़ें, सारा डेटा, सारा म्यूजिक, सारा ऑडियो वीडियो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, है ना? तो हम लोग थोड़ा सा फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी ही कुछ ऐसी है कि वी विल हैव टू टॉक अबाउट लाइफ, वी विल हैव टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी से हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। तो ये स्टोरी है मार्गी और टॉमी के बारे में, दो भाई बहनों के बारे में जो 2155 में स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनका पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा है? तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि मार्गी ने कहा कि एक बार उसके दादाजी के दादाजी ने बताया था कि हाँ, एक ऐसा समय था जब कहानियाँ छपी होती थी कागज़ पे। और यहाँ पर क्या है कि एक तारीख को, एक दिए हुए तारीख को, क्या तारीख है ये, 17 मई 2155 को मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा है? मार्गी ने लिखा है कि टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली, एक रियल किताब मिली। अच्छा, अब क्या होता है? दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। अब वो जो, उसके बाद जब इन दोनों बच्चों को किताबें मिली, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ना कि किताब पुरानी सी लग रही है, उसके कुछ पन्ने थोड़े से उखड़े उखड़े भी लग रहे हैं, पेपर पीला लग रहा है। तो जब उन्होंने पन्नों को पलटा तो उन्होंने पाया कि जो किताब के पन्ने हैं दे आर येलो। तो जब किताबें पुरानी हो जाती हैं तो उसके पन्ने अक्सर पीले थोड़े से भूरे से हो जाते हैं, और किताब जब नई होती है तो अक्सर उसका बैकग्राउंड प्लेन हुआ करता है, सफ़ेद हुआ करता है। तो जब इन्होंने किताबों के पन्ने पलटे तो वो पन्ने जो थे वो पीले थे और क्रिंकली, वो झुर्रीदार थे, मतलब कहीं मुड़े तुड़े से थे, ऐसे थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। यहाँ मैं दो चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑन ए स्क्रीन, रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग। तो इन दोनों के लिए ये बहुत ही मजेदार बात थी। किन दोनों के लिए? मार्गी और टॉमी के लिए, कि वो उस किताबों में जब पढ़ रहे थे तो उसमें जो अक्षर थे, द लेटर्स वेयर स्टिल, वो रुके हुए थे। और आमतौर पर जब वो एक स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किताबें पढ़ते थे तो उसमें अक्षर अक्षर मूव कर रहे होते थे, वो घूम रहे होते थे अक्षर, यू नो। एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड दैट इट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और एक और मज़ेदार बात इन लोगों को क्या लगी कि जब, जैसे उन्होंने पेज नंबर 5 को पढ़ा और इसके बाद अगर वो वापस पीछे की तरफ में पेज नंबर 3 पर जाते थे तो वो देखते थे कि वहाँ पर वही सारे अक्षर पहले से छपे हुए हैं जो उन्होंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो बच्चों, मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ऐसा आ रहा है जहाँ पर यू विल बी कंपेयरिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी के साथ में, कि आखिर इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा क्या था उस समय की साइंस टेक्नोलॉजी ऐसी क्या थी कि उनके हाथ में जब एक छपी हुई किताब लगी तो उन्होंने इतना मज़ा, इतना आनंद अनुभव किया, इतना एक्साइटमेंट महसूस किया, क्योंकि उस समय छपी हुई किताबें होती ही नहीं थी। ये दोनों बच्चे जो कुछ भी पढ़ते थे, ऑल थिंग्स वेयर अवेलेबल विद द कंप्यूटर सेट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो अब यहां पर टॉमी कहता है, अब यहां टॉमी कहता है, गी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। अब टॉमी बोलता है मार्गी से कि ये तो मतलब कितनी बर्बादी की बात है कि जब आपने किताब पढ़ ली तो आप इसको फेंक भी सकते हैं। और फिर वो कहता है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन, तो एक्चुअली में ये उसका टेलीविजन स्क्रीन नहीं है, वो अपने
कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस ऑफ बुक्स, कि टॉमी के कंप्यूटर में मिलियंस, एक मिलियन समझ रहे हो ना आप, दस लाख से ज़्यादा किताबें हैं। और कहता है कि इसके बाद भी इससे ज़्यादा किताबें आ सकती हैं, और इसीलिए मैं अपनी इस किताब को, मेरा मतलब है कंप्यूटर स्क्रीन को, कंप्यूटर को नहीं फेंकूँगा। तो यहाँ पर टॉमी ये फ़र्क बताने की कोशिश कर रहा है मार्गी को कि छपी हुई किताबों में और कंप्यूटर की किताबों में क्या अंतर है। कंप्यूटर में हम लोग लाखों किताबें रख सकते हैं, वेयर एज प्रिंटेड बुक कैन हैव 10 स्टोरीज, 5 स्टोरीज और 1 बिग नॉवेल, है ना। एक छपी हुई किताब में इतना ही तो हो सकता है, और अगर आपने पढ़ लिया एंड यू डोंट वांट टू स्टोर इट, यू कैन थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक भी सकते हो। लेकिन हम कंप्यूटर को तो नहीं फेंकते ना, चूंकि उसमें लाखों किताबें हैं। तो अब फिर मार्जी क्या कहती है, सेम विथ माइन, सेड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो इसमें ना इन दोनों बच्चों की एज बताई जा रही है। यू कैन मैच द एज विथ योर सेल्फ ऑल्सो। मेरे ख्याल से आप जो बच्चे जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जो या फिर CBSE बोर्ड की 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप सब लोगों की उम्र क्या होगी, 13 से 14 साल। और यहाँ पर मार्गी की उम्र कितनी है, वो मार्गी की उम्र है 11 और टॉमी जो उसका भाई है उसकी उम्र है 13। तो मार्गी भी कहती है कि सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा है, हालांकि उसने अभी उतनी किताबें, उतनी टेली बुक्स, वन मोर थिंग, देयर इज ए वर्ड टेली बुक्स। तो टेली बुक्स हम लोग किसे कहेंगे, टेली बुक्स हम लोग उसे कहेंगे कि जो किताबें कंप्यूटर से पढ़ी जा सकती हैं, जो किताबें टेलीविजन से पढ़ी जा सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना और देखना भी शामिल है ना बच्चों। और जो छपी हुई किताबें हैं उसमें क्या है, उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, वी कैन नॉट हियर इट, वी कैन नॉट सी इट लाइव, हम लोग उसे लाइवली देख नहीं सकते हैं। अब आगे मार्गी पूछती है कि अच्छा बताओ, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से। ये क्यूरियसिटी की बात है ना, क्योंकि उन लोगों के ज़माने में तो सारी पढ़ाई कंप्यूटर से होती थी, कंप्यूटर की स्क्रीन से होती थी, कंप्यूटर में लाखों किताबें रखी हुई थी, और उन बच्चों के हाथ में एक छपी हुई किताब मिल गई। तो मार्गी ने पूछा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से। तो अब यहाँ पर टॉमी बोलता है, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दी एटिक। वो कहता है कि ये किताब मुझे मेरे घर में मिली, और उसने अपने आँखें किताबों पर से नहीं हटाई, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वो व्यस्त था पढ़ने में। तो उसने पढ़ते पढ़ते ही कहा कि ये मुझे मेरे घर में मिली। कहाँ पे मिली, इन दी एटिक। एटिक क्या होता है, एक्चुअली में अक्सर लोग जब घर बनाते हैं तो छत पर एक कमरा बनाते हैं जहाँ पर वो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या घर की बची हुई चीज़ों को, या पुराने हुई चीज़ों को, या कभी कभी कुछ कूड़े वाली चीज़ों को भी रखते हैं वहाँ पे। सो दैट इज एटिक। अब वो मार्गी पूछती है कि व्हाट्स इट अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है, और टॉमी क्या जवाब देता है, स्कूल। सो हेयर इज द स्पेशल वर्ड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो सबसे स्पेशल वर्ड है, स्कूल, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर ये कहानी ही स्कूल के बारे में है, कि 2155 के स्कूल कैसे होते थे, और मार्गी के दादाजी के दादाजी के समय में जो स्कूल होते थे वो कैसा स्कूल था, ये चीज। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, What's there to write about school? I hate school. तो मार्गी ने क्या कहा, वो थोड़ी घबराई हुई थी स्कूल शब्द को सुन करके, कि स्कूल के बारे में ऐसी लिखने वाली बात क्या है, I hate school. मार्गी को स्कूल पसंद नहीं थे। अब स्कूल उसे क्यों नहीं पसंद थे, The mechanical teacher. Think about this word. Mechanical teacher. आजकल के टीचर mechanical teacher होते हैं क्या, Am I mechanical teacher? No, I am not. I am a
लिविंग थिंग, आई एम ह्यूमन बींग। तो आजकल के टीचर तो ह्यूमन बींग होते हैं, लेकिन मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था? बिकॉज उसके स्कूल में जो टीचर थे दोज वेयर मैकेनिकल टीचर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं थे, क्योंकि उसके स्कूल में मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे जो उसका टेस्ट और टेस्ट लेते रहते थे, और अक्सर वो ज्योग्राफी के टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रही थी, और उसमें उसके जो ग्रेड्स थे, उसके जो नंबर थे, वो हर बार पिछली बार से भी बुरे आ रहे थे। लेकिन उसकी माँ हर बार सिर हिला करके बहुत दुख के साथ में उसे बार बार काउंटी इंस्पेक्टर के साथ में के पास में भेजा करती थी। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. तो ये बातें यहाँ पर किसके बारे में लिखी हुई हैं? ये बातें लिखी हुई हैं काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में, जिसे आप इस फोटो में देख सकते हो। ये जो बंदा खड़ा है ना यहाँ पे, ये सो ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। राउंड क्यों लिखा है? क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हेल्दी सा आदमी लग रहा है, जिसके चेहरे लाल रंग के थे, जिसके पास में ही हैड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। उसके पास में ये देखो, ये उसका टूल बॉक्स है, कितना बड़ा है, जिसमें काफ़ी सारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देर आर डायल्स, देर आर वायर्स, ये है ना, इसे डायल बोलते हैं, एंड देर आर वायर्स, ये सब तरह तरह के तार हैं। He smiled at her and gave her an apple. तो वो मार्गी को देख करके मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल खाने को देता है। Then took the teacher apart. और उसके बाद उसने इसके ज्योग्राफी के टीचर को, ये जो रोबोट है, यही टीचर है मार्गी का, यही है मैकेनिकल टीचर, ठीक है। और उसके बाद इस काउंटी इंस्पेक्टर ने इसके ज्योग्राफी के टीचर को लिया और उसके पुर्जे खोल दिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी सोचती थी कि कितना अच्छा होगा कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, कि जिसने उसके ज्योग्राफी के टीचर को उस मैकेनिकल टीचर के पार्ट पुर्जे अलग अलग कर दिए हैं, उसको ये वापस असेंबल ना कर पाए। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि कहीं वो भूल जाए कि इसको मुझे वापस असेंबल कैसे करना है, कैसे जोड़ना है, ऐसा सोचती थी मार्गी। और ऐसा क्यों सोचती थी वो? क्योंकि उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था, उसे मैकेनिकल टीचर से रोबोट से पढ़ना पसंद नहीं था, और पीछे के दिनों में ज्योग्राफी में उसके नंबर भी काफ़ी कम आ रहे थे, है ना। अब देखते हैं, बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर सोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड। तो ये जो शब्द हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितने सारे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है इसके मैकेनिकल टीचर के लिए। द फर्स्ट वन इज लार्ज, सेकेंड वन इज ब्लैक, थर्ड वन इज अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर सोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड। तो ये फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है मार्गी के मैकेनिकल टीचर का, जो ज्योग्राफी पढ़ाया करते थे। तो एक्चुअली में वो जो ज्योग्राफी टीचर हैं, ही इज ए रोबोट। वह क्या है? वो एक रोबोट है, और रोबोट कैसा होता है वो मैंने आपको दिखाया ही। और वो बड़ा सा था, काला सा था, भद्दा सा था, और उसके बड़े से स्क्रीन पर अक्सर लेसन्स दिखाई देते थे और क्वेश्चंस भी एपियर हुआ करते थे, मतलब छपा करते थे उसी स्क्रीन पर। सो दैट वॉज नॉट सो बैड, द पार्ट सी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। अब बता रहे हैं कि इससे भी बुरी बात क्या थी जो मार्गी को बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी? वो बात वो थी कि उसके मैकेनिकल टीचर में, रोबोट में, एक स्लॉट बना हुआ था जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर फीड करना होता था, इंसर्ट करना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड।
They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. पंचकोड, आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये पंचकोड क्या होता है, तो मैं जरा सा आपको बताता हूँ कि पंचकोड क्या होता था. मैं इसे एक व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तब आप इसे आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि मैंने जब कंप्यूटर कोर्स करना शुरू किया था 1993 में, 1993 में, तो मेरे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर था जहाँ पर पंच कार्ड पंच कोड वाला सिस्टम था. तो उस समय में जो पंच कोड वाले सिस्टम पेपर हुआ करते थे वो एक्चुअली में 80 कॉलम के ऐसे पेपर हुआ करते थे. 80 कॉलम का मतलब है कि आप लेफ्ट टू राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक आप 80 कैरेक्टर ए बी सी डी या 1 2 3 4 नंबर लिख सकते थे. अच्छा, अब इसमें क्या होता था कि यहाँ पे ना होल बने हुए थे, होते थे ऐसे ऐसे. तो बच्चों, आप सब जानते हो कि कंप्यूटर किसकी भाषा समझता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं वो किसकी भाषा समझता है. व्हेनेवर वी कैन वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर, जब भी हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो एक बार तो ये बात ध्यान में रखनी ही होगी, कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की भाषा. क्या है ये? ये है 0 और ये है 1. तो 0 को क्या कह सकते हैं हम लोग? 0 को कह सकते हैं ऑफ, और 1 को क्या कह सकते हैं? ऑन. तो एक्चुअली में कंप्यूटर लॉजिकल सर्किट्स पर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर काम करता है, और इसको सारी की सारी बातें जो बताई जाती हैं वो 0 और 1 में ही बताई जाती हैं. 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं, जहां पर किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को मात्र 2 अंकों से, 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. मैं कभी बाइनरी नंबर सिस्टम पर भी एक छोटा सा लेक्चर डालूंगा. और हम लोग आमतौर पर अपने कैलकुलेशन के लिए जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेसिमल सिस्टम, है ना, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट होते हैं. तो हमारे पास में 10 अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, जबकि कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की बात समझता है. तो मैं आपको बता रहा था कि ये पंच कार्ड वाला सिस्टम, ये पेपर कैसा हुआ करता था. ये ऐसे पेपर होता था. मैं इसका एक फोटोग्राफ भी आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करने की कोशिश करूंगा. तो इस तरीके से होल बने होते थे, ऐसा पेपर होता था, और इसके जरिए डेटा या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में फीड किया जाता था. इसे पंच कार्ड कहते थे. है ना? तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे कि मार्गी के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था, कि उसको तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कंप्यूटर का वो हिस्सा, उसके मैकेनिकल टीचर का वो हिस्सा, जब उसे फीड करना होता था. क्या फीड करना होता था? अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर का जो कुछ भी काम किया है उसने, वो पंच कार्ड में मार्क करके उसे फीड करना होता था. हालांकि यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है कि किस स्लॉट में वो डाला करती थी. कोई बात नहीं, ये तो फिलहाल समझने की बात है. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड. और जब मार्गी 6 साल की थी तब भी उसे पंच कोड का इस्तेमाल करना सिखाया गया था. और जैसे ही वो इस पंच कोड को फीड करती थी, उसके रोबोट के स्लॉट में डालती थी, तो बस थोड़ी ही देर में मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसे बता दिया करता था. लेकिन ये जो बातें हैं ये मार्गी को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो पढ़ाई उसे स्कूल के नाम से ना थोड़ी सी नफरत सी थी. शी हेटेड स्कूल. So the inspector had smiled after he was finished and patted her head. तो जब इंस्पेक्टर ने, काउंटी इंस्पेक्टर ने इसके मैकेनिकल टीचर को वापस रीअसेंबल कर दिया और उसने इस काम को पूरा कर लिया, तो फिर उसने मार्गी के सिर को थपथपाया.
ही सेड टू हर मदर, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से क्या कहा, क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। तो एक्चुअली में अब इससे पता चल रहा है कि मार्गी को ज्योग्राफी में जो नंबर कम आ रहे थे उसके पीछे में मार्गी की गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उस इंस्पेक्टर ने भी यही बात बताया। और मार्गी की माँ का नाम क्या है, हर मदर्स नेम इज मिसेज जोन्स। तो इंस्पेक्टर सॉरी, तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि ये जो मैकेनिकल टीचर हैं इनका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वहाँ पर जो कुछ गियर्स वगैरह लगे हैं, गियर्स कैसे होते हैं, गोल गोल ऐसे वाले गियर्स जिसमें ना ऐसे ऐसे खांचे भरे होते हैं। गियर का एक फ़ोटो दिखा दूँ मैं क्या, अगर मुझे गियर का फ़ोटो दिखाना हो तो इसमें ये यहाँ पे भी गियर का फ़ोटो है नहीं, चलो मैं कोशिश करूँगा फिर। तो उसका कहना था कि भाई एक्चुअली में ये जो मैकेनिकल टीचर थे उसके ज्योग्राफी सेक्टर में जो गियर्स वगैरह थे ना वो थोड़ा जल्दी जल्दी घूम रहे थे, इसकी वजह से वो मिस कैलकुलेशन कर रहा था या फिर मार्गी के सही सही नंबर वो नहीं दिखा पा रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो ऐसा कह करके उस काउंटी इंस्पेक्टर ने एक बार मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। एक्चुअली में यहाँ पर उसने मार्गी की माँ मिसेज जोन्स का जो डाउट था कि मेरी बच्ची ज्योग्राफी में उतने अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पा रही है, उस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। उसने क्या बताया कि वो जो मैकेनिकल टीचर थे उनके शरीर के अंदर में, बॉडी के अंदर में एक्चुअली में वो क्या है, मैकेनिकल टीचर एक रोबोट ही तो है, तो उसके ज्योग्राफी सेक्टर में जो कुछ गियर वगैरह लगे हुए थे वो थोड़े जल्दी जल्दी घूम रहे थे। तो इस इंस्पेक्टर ने चेक किया और उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया, 10 ईयर लेवल के एवरेज पर कर दिया। और अब वो कहता है कि द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है। ओके, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो अब यहाँ पर मार्गी क्या सोच रही है, मार्गी डिसअपॉइंट हो गई, उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वो एक्चुअली में क्या उम्मीद कर रही थी कि कुछ ऐसा हो कि ये काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो इसके टीचर को, इसके मैकेनिकल टीचर को, रोबोट को अपने साथ में ले जाएंगे, कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाए ताकि उसकी रिपेयरिंग में अच्छा खासा समय लग जाए और मार्गी को उससे पढ़ाई करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा होता थोड़े ना है, जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा ही थोड़े ना होगा। उसने ये भी बताया, सोचा मन में मार्गी ने, क्यों, क्योंकि एक बार टॉमी के जो टीचर थे उनको भी लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था रिपेयरिंग सेंटर में। और क्यों ले जाया गया था, क्योंकि उस मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल फॉल्ट थी, रोबोट की फॉल्ट थी। और ऐसा ही कुछ मार्गी चाहती थी कि उसके मैकेनिकल टीचर में भी प्रॉब्लम हो तो उसे 1 महीने की छुट्टी मिल जाए। सो सी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उस समय की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कैसे मार्गी के टीचर उसको पढ़ाने आया करते थे, वो एक मैकेनिकल टीचर थे, रोबोट थे, और रोबोटिक टीचर जो थे वो दिखने में कैसे थे, बड़े लंबे चौड़े से भद्दे से बड़ी सी स्क्रीन। अब वापस हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर इन दोनों बच्चों की आपस में बातें हो रही थी, किन दोनों की, मार्गी और टॉमी की। तो फिर से ये पूछती है कि वो जो किताब स्कूल के बारे में लिखी हुई है, जो पुरानी सी किताब टॉमी को मिली है, तो क्या पूछती है मार्गी कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में
क्यों लिखेगा, ऐसी क्या इंटरेस्टिंग बात है कि कोई स्कूल के बारे में पूरी की पूरी ये किताब लिख देगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि अब टॉमी उसे क्या जवाब देता है या क्या बताता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब क्या है कि टॉमी उससे उम्र में बड़ा है, उसका बड़ा भाई है ना, तो वो कुछ उसी अंदाज में उसे देखता है और क्या कहता है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो अपनी बहन को बोलता है क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल है ही नहीं। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। यह पुराने जमाने का स्कूल है जो अभी से मतलब सैकड़ों 400 साल 500 साल पहले का स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो। क्या उसने कहा, सेंचुरीज एगो है ना। डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 साल। तो टॉमी दोबारा इस चीज पर जोर डाल करके कहता है कि ये हमारे समय से काफ़ी पहले के स्कूल के बारे में है, हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सेंचुरीज एगो। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। तो आप समझ सकते हो ना कि जब उसने कहा कि सेंचुरीज एगो, 100, 200, 300 साल पहले की किताब। नाउ व्हाट हैपेंड, मार्गी वाज हर्ट, उसको थोड़ा सा बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, कि मुझे नहीं पता कि उस समय इतने 100 साल पहले के जो स्कूल होते थे वो कैसे होते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल एंड देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। और फिर उसके बाद भाई के कंधे के ऊपर से ही उसने उस किताब को थोड़ा सा पढ़ा और क्या कहती है, वो कहती है कि एनीवे दे हैड ए टीचर, आखिर उनके पास में एक टीचर था। तो यहाँ पर उसके ऐसा कहने का मतलब ये है, मैकेनिकल टीचर नहीं, ह्यूमन बीइंग एज ए टीचर, ये कहना चाहती है वो। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। मैंने कहा ना कि यहाँ पर वो यही कहना चाहती है कि सचमुच में उनके पास में टीचर हुआ करते थे और ये रेगुलर टीचर, रेगुलर टीचर का मतलब है आजकल के जैसा 2155 में जो मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे उनके जैसा नहीं, इट वॉज ए मैन। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। अब फिर अगला सवाल उठता है इन दोनों बच्चों में कि भाई एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो ये है अगला स्टेटमेंट जहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो जो ह्यूमन बीइंग के रूप में जो टीचर हुआ करते थे पुराने स्कूल में वो कैसे होते थे। तो एक बच्चा कहता है कि वह लड़के और लड़कियों को बताया करते थे, सिखाया करते थे और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। अब एक बच्चा इन दोनों में से बोलता है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। सपोज करो बच्चों, कितना बुरा लग रहा होगा मुझे और कितना बुरा लगेगा किसी टीचर को अगर ये बात सुनना पड़े, क्या कि एक टीचर, मतलब जो एक टीचर ह्यूमन बीइंग है, एक मनुष्य जो टीचर है, वो एक रोबोट टीचर के जैसा स्मार्ट नहीं हो सकता। आखिर रोबोट को बनाया किसने है, रोबोट को मनुष्यों ने ही तो बनाया है। श्योर ही इज। अब यहाँ पर दूसरा बच्चा बोलता है कि श्योर ही इज, कि वो सचमुच में है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो इन दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोलता है कि मेरे पिताजी उतना ही जानकारी रखते हैं, उतना ज़्यादा जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। ही कांट, एक दूसरा बच्चा आर्गुमेंट करता है, ए मैन कैनॉट नो एज मच एज ए टीचर, नहीं, एक मनुष्य उतनी जानकारी नहीं रख सकता, उतना नहीं जान सकता जितना एक टीचर के पास में होता है। तो यहाँ पर टीचर का मतलब है मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। तो इन दोनों बच्चों में से दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं, वो मेरे फादर इतना जानते हैं जितना ये मैकेनिकल टीचर जानता है।
और उसने अपनी बात को जोर डालने के लिए क्या कहा, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। सो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब इससे ज़्यादा इस विवाद में कंटिन्यू करने को मार्गी तैयार नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, ये बात टॉमी ने कहा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पक्ष ले रहा है पुराने ज़माने के स्कूलों के टीचर का, ह्यूमन बीइंग के रूप में जो टीचर हुआ करते थे उनका, जबकि मार्गी का सोचना ऐसा नहीं था। वो क्या कहती है कि आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये पसंद नहीं होगा कि एक अजनबी आदमी जिसे हम नहीं जानते वो मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। अब देखो इसका क्या जवाब है। अब टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। अब यहाँ पर टॉमी खुशी के साथ में चिल्लाया, हंसते हुए चिल्लाया, क्या कहा उसने, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लीव इन द हाउस, कि ये जो टीचर हुआ करते थे पुराने ज़माने में वो घर में नहीं रहते थे, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि उन टीचर्स की एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे के सारे बच्चों को वहाँ जाना होता था, दैट वॉज द स्टूल, द स्पेशल बिल्डिंग वॉज द स्कूल, जिसके बारे में बात हो रही है। तो क्या है, मार्गी यहाँ पर सपोज कर रही थी, सोच रही थी और कहती है कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं होगा कि एक अजनबी आदमी जिसे मैं नहीं जानती वो रोज़ मुझे घर में पढ़ाने आए। तो टॉमी यहाँ पर खुशी के साथ हंसते हुए कहता है कि नहीं मार्गी, तुम नहीं जानती कि ये जो टीचर होते थे ये घर में नहीं रहते थे, मतलब हर बच्चे के घर में अलग अलग टीचर नहीं रहते थे, उन टीचर्स की एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, दैट वाज द स्कूल ऑफ द ओल्ड टाइम, वो पुराने ज़माने का स्कूल, उसी को यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग लिखा गया है, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे उस स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे पढ़ने के लिए, और वही स्पेशल बिल्डिंग क्या है, स्कूल है ना, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब उसमें से एक बच्चे ने कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, कि हाँ सच, अगर वो एक ही उम्र के थे, बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब यहाँ पर ये बात कह रही है मार्गी, वो क्या कहती है, वो अपने समय के बारे में बोल रही है, कब के बारे में, 2155 के बारे में, और अपनी माँ की बातों को दोहराते हुए कहती है कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, हर टीचर को स्टूडेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, क्योंकि जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उस लड़के या लड़की का जो माइंडसेट है उसके हिसाब से उसको अपने आप को एडजस्ट करना होगा और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होगा। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो अब यहाँ पर टॉमी उससे कहता है कि हाँ, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं करते थे, और अगर तुम्हें पसंद नहीं है यू डोंट हैव टू रीड द बुक। वो मार्गी को कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम ये किताब ना पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, लेकिन मार्गी जल्दी से कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब मेरा मतलब है ये किताब पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, फनी स्कूल। तो ये जो भविष्य के बच्चे हैं, 2155 के बच्चे जो रोबोट से पढ़ते हैं, मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, वो आजकल के स्कूलों को उन्होंने क्या कहा, फनी स्कूल। तो अब तुम्हें तुम सब बच्चों को इस कहानी का जो टाइटल है द फन दे हैड, उसकी मीनिंग थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि लेखक ने इसका टाइटल ऐसा क्यों लिखा है। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, अभी उन दोनों बच्चों ने किताब को आधा भी ख़त्म नहीं किया था कि मार्गी की माँ बोलती हैं कि मार्गी स्कूल, इसका मतलब मार्गी के स्कूल का टाइम हो गया। अब क्या होगा, मार्गी का स्कूल कैसा है ये अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे।
क्योंकि अब मार्गी के स्कूल जाने का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, वो अपनी माँ को बोलती है कि नहीं मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो उसके बाद मिसेज जोन्स जो कि इन दोनों बच्चों की माँ है वो कहती हैं कि नहीं अभी, और शायद ये समय टॉमी के लिए भी है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हम लोग अपना स्कूल वाला समय ख़त्म करने के बाद दोबारा इसे पढ़ सकते हैं। मे बी ही सेड, ही सेड नॉन चैलेंटली, ही वॉक्ड अवे व्हिसलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। तो टॉमी ने उससे बड़ी शांति से कहा कि हाँ शायद, और उसके बाद वो सीटी बजाता हुआ, व्हिसल करने का मतलब क्या है, व्हिसल करने का मतलब है सीटी बजाना, और नॉन चैलेंटली इसका मतलब होता है कामली, शांति से। तो टॉमी अपनी बाहों के नीचे उस किताब को दबाए और सीटी बजाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अब क्या है कि ये दोनों बच्चे अपने अपने स्कूल में जाएंगे। नाउ थिंक अबाउट द स्कूल ऑफ 2155, कैसा होगा स्कूल, बस अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था, ये ठीक इसके बेडरूम के सामने था, तो आप कह लो ना कि ये उसका स्टडी रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वो जो रोबोटिक टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे, वो स्विच्ड ऑन थे और मार्गी का इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये जो मैकेनिकल टीचर थे ये हर रोज इस समय में सैटरडे और संडे को छोड़ करके ऑन ही रहते थे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की माँ ऐसा सोचती थी और कहती थी कि छोटी बच्चियाँ, मार्गी के एज की बच्चियाँ अगर रोज़ एक दिए गए एक रूटीन के समय के हिसाब से पढ़ती हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है उनकी पढ़ाई के लिए। ओके, तो अभी अभी हम लोगों ने मार्गी के स्कूल के बारे में पढ़ा ना, तो मार्गी का स्कूल कहाँ था, मार्गी का स्कूल एक्चुअली में उसका स्टडी रूम था जो कि ठीक उसके बेडरूम के सामने में था। सो नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्कूल, ऑफ स्कूल ऑफ मार्गी, और किस साल में, इन द एज ऑफ 2155, है ना, अभी से लगभग 135 साल के बाद हो सकता है कुछ ऐसा स्कूल हो। और अभी से 135 साल की बात क्यों करें बच्चों, मुझे लगता है आप सब बच्चों के घर में भी जो स्टडी रूम होगा, मुझे लगता है 10 बच्चों में से 3 बच्चे या 4 बच्चों के घरों में स्टडी रूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ हो सकता है, एक लैपटॉप रखा हुआ हो सकता है, और हो सकता है कि आप सब भी रोज़ घंटे दो घंटे आधे घंटे उससे पढ़ाई करते हों, क्योंकि जब आजकल के समय में कोरोना की वजह से देर इज ए कम्प्लीट लॉकडाउन, स्कूल बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, सो वी हैव नो सोर्स, हमारे पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है पढ़ने का। यू विल हैव टू डिपेंड ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब चैनल्स, मोबाइल्स, है ना, एजुकेशनल ऐप्स। तो अब ये है मार्गी का स्कूल 2155 में, ये मार्गी बैठी है, उसके सामने ये स्क्रीन पैनल है और ये इसका मैकेनिकल टीचर है। ये ड्रॉ कर दूं क्या, ये टीचर है। ये स्टूडेंट है, बट द स्टूडेंट ही सी इज़ नॉट हैप्पी, वो मुझे खुश नहीं लग रही है इस पिक्चर में जो दिख रहा है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन
द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो ये जो स्कूल है उसका ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है ये ऑन है और इसके ऊपर में अक्षर दिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं उस पर लिखा हुआ है और उससे आवाज़ भी आ रही है कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो अरिथमेटिक का लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और साथ में इससे ये भी आवाज़ आ रही है, ये भी इंस्ट्रक्शन आ रही है मार्गी के लिए कि आप अपना पिछले दिन का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में एंट्री कर दें। तो मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि उस समय बच्चों को पंच कार्ड वाले सिस्टम से अपना होमवर्क बना करके इंसर्ट करना होता था। तो कैसा लग रहा है ये स्कूल? स्कूल का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पर स्कूल का मतलब है आपके घर का ही एक कमरा है ना। मार्गी डिड सो विथ साई। मार्गी ने आह भरते हुए वो काम किया। कौन सा काम किया? कि उसने पिछले दिन का जो होमवर्क बना करके रखा था उसको उस कंप्यूटर में, उस रोबोट में प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दिया। नाउ सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। और अब वो सोच रही थी, उसने ठुड्डी पर हाथ रखा हुआ है और वो सोच रही है अपने दादाजी के स्कूल के बारे में जब वो छोटे थे। क्या सोच रही है? कि ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। कि ये कितना अच्छा लगता होगा जब सारे बच्चे अड़ोस पड़ोस के इकट्ठा होते होंगे और हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के मैदान में, स्कूल के आंगन में इकट्ठे होते होंगे, सब साथ में स्कूल में बैठते भी होंगे स्कूल के क्लासरूम में, एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और फिर जब छुट्टी हो जाती होगी तो सब कैसे साथ में जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। ये एक खास बात है जो यहाँ पर मार्गी कहना चाहती है या सोच रही है। क्या? दे लर्न द सेम थिंग सो दैट दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे, एक क्लास के सारे बच्चे एक ही चीज़ तो पढ़ते हैं ना आजकल के समय में। हालांकि इस कहानी में इस चीज़ को पास्ट टेंस में बताया गया है। और साथ में मार्गी का ये भी सोचना है कि जब सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं होमवर्क बनाने में। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग इन द चैप्टर? वो ये है कि मार्गी ये सोच रही है कि एंड द टीचर्स वेयर पीपल, कि वो जो टीचर हुआ करते थे वो कैसे थे? वो सबके सब लोग हुआ करते थे। मतलब लोगों का गुस्सा भी असली होता है, मुस्कुराहट भी असली होती है ना? और रोबोट का गुस्सा कैसा, रोबोट का मुस्कुराना कैसा? तो क्या सोचा मार्गी ने? कि एंड द टीचर्स वेयर पीपल। और ये सब बातें जब वो सोच रही है तो वो जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसके स्क्रीन पर क्या फ्लैश हो रहा है? द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4। ये चीज़ें उसके स्क्रीन पर चल रही हैं लेकिन मार्गी का ध्यान तो अपने मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर है ही नहीं। वो तो उस किताब के बारे में सोच रही है, वो तो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है जिसमें उसके दादाजी के दादाजी पढ़ा करते थे, जहाँ आपके बच्चों को इतना मज़ा आता होगा पढ़ने में और कितना फनी होगा। एक बार उसने कहा था ना कि स्कूल को फनी भी कहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर ह्यूमन बीइंग थे और बच्चों को एक चीज़ें पढ़ाई जाती थी। सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर के स्कूल में जाते होंगे, आते होंगे, आपस में हंसते खेलते बातें करते होंगे। और अगर आपको कंपेयर करना हो इसे मार्गी के स्कूल के बारे में तो क्या कहेंगे? कि मार्गी का स्कूल तो बस क्या है, वो एक स्टडी रूम ही है। वहाँ पर वो अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के पास बैठी है, बगल में एक रोबोट, एक मैकेनिकल टीचर खड़ा है। लेकिन मार्गी को ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैकेनिकल टीचर वाले तरीके से पढ़ाई करना। वो तो बहुत फैसिनेटेड है और वो सोच रही है अपने दादाजी के स्कूल के बारे में, जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर के एक बिल्डिंग में पढ़ने जाया करते थे और जहाँ के टीचर्स जो थे दोज वेयर पीपल। सो मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स
मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी ये सोच रही थी कि उस समय के बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा इस तरीके से पढ़ाई करना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यही टाइटल है ना इस स्टोरी का, कि वो अभी भी इस बारे में सोच रही थी कि उन बच्चों को कितना मज़ा आता होगा उस समय पढ़ाई करने में, है ना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर मैंने अभी अभी पढ़ा करके आपको कंक्लूड किया है, और मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर का डिस्कशन ये काफ़ी पसंद आया होगा, और आप काफ़ी कुछ हद तक इस चीज़ को, इस स्टोरी को अभी के समय में रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये फ्यूचर के बारे में है, पास्ट के बारे में है, और करेंट सिनेरियो के साथ में इसका रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि आजकल के समय में भी स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, और जो भी बच्चा, विच एवर स्टूडेंट, जो भी बच्चा आप पढ़ना चाहता है, जो सिंसियर है पढ़ाई के बारे में, उसे कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा। अगर उसके पास किताबें हैं, ही विल हैव टू सेल्फ स्टडी, ही विल हैव टू गो ऑन विद सेल्फ स्टडी, और अगर उसे किसी टीचर से कुछ हेल्प चाहिए, कुछ समझना है, देन ही विल हैव टू कॉन्टेक्ट हिज टीचर ऑनलाइन। वो उससे टेलीफोन पर बातें करेगा, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करेगा, गूगल मीट पर ज्वाइन करेगा, जूम की मीटिंग में जाएगा, है ना, या फिर अपने टीचर्स के यूट्यूब चैनल से लेक्चर्स अटेंड करेगा और अपनी पढ़ाई को सही करने की कोशिश करेगा। तो मुझे उम्मीद है, आई होप सो दैट यू ऑल, आप सब बच्चों को भी मेरा ये चैप्टर डिस्कशन काफ़ी पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल का नाम याद रखेंगे, याद है ना, इट इज़ न्यू एज कोचिंग। सो यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर लेक्चर्स फ्रॉम दिस चैनल। आने वाले समय में आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स के लेक्चर इस पर मिलेंगे। आई होप यू वुड लाइक इट ऑल्सो, और आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, साफ सफाई से रखिए। हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं।